एक्चुअली एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक्सपैट्रिएट्स काफी अच्छा प्ले कर रहे हैं और इंडिया के प्लेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्मुख चंद भी अमेरिका चले गए हैं, यहाँ पे कभी लगता था कि इंडिया की ओर से बहुत अच्छी पारियां खेलेंगे अंडर 19 टीम के कैप्टन, तो आपको लगता है जैसे ये जो ये भी मैच है रविंद्र रचिन है, वो एक्सपैट्रिएट्स का जो स्ट्रेंथ है, जो इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है, शायद उसी का रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल कह सकते हैं। रचिन के पिताजी जैसे कर्नाटका में खेलते थे, उनकी सारी ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने बैंगलोर से ही की है, और खासकर रचिन ने तो जो 2019 वर्ल्ड कप था वो भी बैंगलोर से ही बैठ के देखा था, तो कहीं ना कहीं वो रूट्स में तो आ जाता है, चाहे आप जेनेटिक्स बोले रूट्स बोले, बट आई डेफिनेटली फील कि वो इंडियन रूट्स का ही एक खेल है। और खासकर जिस पैशन से यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है, आप किसी भी यूरोपियन देश में जाके खेल रहे हैं, आज जो हमारे प्लेयर हैं जो खेलने वाले, वो पहले तेजा न्यूजीलैंड में थे, न्यूजीलैंड से फिर वो एम्स्टरडेम गए, वहां पे जाके खेलने लगे, और वहां पे भी आज भी उनके मैच में देखने के लिए विजयवाड़ा से उनकी माताजी और उनके ग्रैंड मॉम बिल्कुल, आने वाले। उनके घर से आ रहे हैं। बिल्कुल सर, एक फाइनल कमेंट गुलशरण सर, एक्सपैट्रिएट्स का रोल कब बढ़ना ये इंडियन क्रिकेट के बेंच के लिए, जैसे बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम में तो बहुत लिमिटेड प्लेयर खेल सकते हैं, जैसे अब हमारी दो टीम खेल रही है, एक एशियन गेम्स में भी खेल रही है, ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी एक अच्छा इशारा है? नहीं, और ये अच्छा इशारा है, प्लस इससे पता लगता है कि भारत में कितना टैलेंट है, कितने एक्सेप्शनल और इतने स्किल्ड प्लेयर हैं जो कि बाहर वाली कंट्री में जाते हैं और वहाँ भी उनकी स्ट्रॉन्ग टीमों में उनको जगह मिलती है। जैसे जेसन संगा ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हैं, ईस्ट सोडी न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहे हैं, तो और रचिन ऑल्सो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ की जो क्रिकेट है बहुत ज़बरदस्त है और ये अच्छा साइन है।